अम्बाला शहर के पंचायत भवन में नगर निगम की हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की शुरुआत में ही माइक न चलने से गुस्साए पार्षदों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पार्षदों ने ऐलान किया कि जब तक माइक नहीं देंगे तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। इस पर सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा ने अगली बार तक माइक ठीक करने का आश्वासन दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा एक घंटे की देरी से मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान फिर पार्षद पुराने मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेरते नजर आए। पार्षदों ने कहा कि 48 घंटे पहले पार्षदों को एजेंडे की कॉपी नहीं दी गई। डीएमसी ने कहा कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस पर फिर बवाल खड़ा हो गया। पार्षद मिथुन, पार्षद मेघा, पार्षद विजय उट्टोनी ने कहा कि जब बाढ़ के दौरान लोग डूब रहे थे और पिछले दिनों डेंगू से लोग मर रहे थे, तब क्यों नहीं मीटिंग बुलाई गई? इस पर डीएमसी दीपक ने पूरा दो टुक जवाब दिया। कहा कि मीटिंग करनी है तो करें, नहीं करनी तो वो भी बताएं। पार्षदों ने डीएमसी के इस रवैये का भी विरोध जताया। मेयर ने कमिश्नर को डीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने को बोला। मीटिंग में जजपा नेता विवेक चौधरी के बोलने के विरोध में नीचे बैठी पार्षद टोनी, मनोनीत पार्षद पूजा चौधरी के पति एवं जजपा नेता विवेक चौधरी ने हाउस की मीटिंग में रेडी फड़ी के लिए कमेटी गठित करने का सवाल उठाया। इस दौरान मेयर ने कहा कि आप मीटिंग में नहीं बोल सकते। इस दौरान काफी गहमा गहमी हुई। इसके पश्चात जजपा के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी और उनकी पत्नी मनोनीत पार्षद पूजा चौधरी मीटिंग का बहिष्कार करके वहां से चले गए। हालांकि जाने से पहले पूजा चौधरी ने डीएमसी दीपक से पूछा कि क्या कमेटी गठित की गई है, कब चुनाव अधिकारी नियुक्त होगा। इस पर नगर निगम अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जब एजेंडे पर बात शुरू हुई तो एक बार फिर से विवाद छिड़ गया और पार्षद ने मीटिंग का बहिष्कार किया, जिसे देखते हुए मीटिंग अगली बार के लिए पोस्टपोन कर दी गई। इसमें भाजपा और भाजपा के पार्षद एक दूसरे के सामने दिखाई दिए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी कहा कि ये लोग पहले से ही तय करके आए थे कि मीटिंग नहीं होने देंगे। इसके बाद हर मुद्दे पर बहस शुरू हुई, आखिर में मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। मैनिफेस्टो में जो जन चेतना की मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे, उनमें से एक भी मुद्दा आज एजेंडे में नहीं था। एजेंडे में ऐसे मुद्दे थे, ढक्कन लगाना, नाली चोरी करना, ये कोई शहर के मुद्दे नहीं है। शहर के मुद्दे हैं एनडीसी, शहर का मुद्दा है, शहर का मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स, शहर का मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी पार्ट, शहर के मुद्दे हैं। अब आप कहें सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर चौक चौराहे पे आवारा पशु हैं। अगर हाउस में आप प्रस्ताव पास करोगे तभी उस पर कार्रवाई हो सकेगी। हम हाउस में पास करेंगे तभी सरकार उस चीज़ को अमली जमा पहना पाएगी। जब हम हाउस में कई मुद्दों को ही नहीं रखेंगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, अब पुलिस कंप्लेंट हाउस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो मेन मुद्दे हैं वो हाउस के मीटिंग से गायब थे, इसलिए आज ऐसी मीटिंग हुई। अफसरों का रवैया किस तरह करनी? नहीं, अफसरों के पर तो लगाम लगी हुई है और हम लगाम लगाने के लिए सक्षम भी हैं। जो अफसर अपने से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार करेगी। जन चेतना का मैनिफेस्टो लेकर पहुंचे? मैनिफेस्टो का अगर एक ही मुद्दा जन चेतना ने पूरा किया है तो मुझे बता दें, मैंने यही सवाल पूछे भी है आपका। जन चेतना के जो भी आप लोगों ने वादे किए थे, जो उसमें से कोई एक भी मुद्दा इस एजेंडे में नहीं है। देखिए, ये जो मीटिंग है स्टार्टिंग से ही इलीगल मीटिंग के लिए हमने कहा था, क्योंकि जो एजेंडा हमें वो 5 दिन पहले दिए जाने चाहिए थे, वो तो कल दिए गए, 1 दिन पहले, वो स्टार्टिंग से इलीगल थी। हमने कहा और मेयर मैडम ने उसके लिए पूछा भी कौन कौन मीटिंग नहीं करवाना चाहता या कौन कौन इलीगल मीटिंग कहता है, लेकिन सबने सहमति जताई कि इसको प्रोसीडिंग को आगे चलने दीजिए। हमने फिर भी वो इलीगल मीटिंग होते हुए भी हमने कहा सभी सहमत है तो सहमत रहने दीजिए। लेकिन आगे जा करके एक मुद्दा आया कि पिछली मीटिंग के मिनट्स को कन्फर्म करने के लिए, उसके लिए फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और साफ साफ कहा जा रहा था कि मीटिंग के मिनट्स ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। कैसे कन्फर्म्ड है फिर वो यहाँ रखने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि मीटिंग के मिनट्स को कौन कन्फर्म करता है? सभी मेंबर मिलकर के करते हैं और वो मेजोरिटी से होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी मैटर जो है नहीं माना जा रहा तो उसके लिए वोटिंग करवाने का अधिकार है। उसके लिए 4 आदमी उठ करके कहें कि हमने वोटिंग करवानी है, यहाँ तो 10-12 लोग जो हैं वो मेंबर जो हैं एमसी जो हैं वो सब खुद डिमांड कर रहे थे वोटिंग करवा लीजिए, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती। सेक्शन 57 में साफ साफ लिखा होने के बावजूद भी हमें वो एक्ट के सेक्शन को पढ़े ही नहीं दिया जाना जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं धज्जियाँ हमारे नगर निगम की जो एक्ट बना उसके खिलाफ धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, लेकिन हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उस एकता का आज यह नतीजा है कि इस मीटिंग को अगले इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए अगले उस तक इलीगल किए। जो पिछली मीटिंग के अंदर पार्षदों द्वारा वॉकआउट किया गया था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उनका जो वॉकआउट था, अधिकारियों की मनमर्जी, जो कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके इशारों पर काम करके नेग्लिजेंसी का काम करते हैं। आपने देखा कि कई एजेंडे जो पार्षदों द्वारा उठाए जाते हैं उन एजेंडों को ही ख़त्म कर दिया गया, जो कि गलत बात है। लेकिन
जो आज समझ में आया कि पार्षदों द्वारा पिछली बार भी किसी के इशारे पर ऐसा किया गया था और आज फिर मन बना के आए थे घर घर से कि आज जो है हमने मीटिंग को चलने नहीं देना। आपने देखा कि बार बार भाजपा के पार्षद जब भी कोई बात होती थी उठ उठ कर शोर डालने का काम करते थे, बिना मतलब की बात करते थे, जबकि उस वक्त कुछ और मुद्दा चल रहा होता था, उस मुद्दे के अंदर दूसरे मुद्दे को घुसाकर मुद्दे को ख़राब करने की कोशिश की। भाजपा का रवैया सीधा सीधा यही था कि आज मीटिंग को ना चलने दिया जाए, जबकि एक 8-6 को जो मीटिंग शहर के मुद्दे पास कर दिए गए 5.5 महीने बाद आज उनकी पुष्टि होनी थी सिर्फ, उसके अंदर जो है आकर आकर भाजपा पार्षदों ने डंगा डालने का काम किया है, जो कि बहुत खेदजनक है। आज अंबाला का बहुत जो ज़्यादा नुकसान हो गया, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन पार्षदों द्वारा किया गया है, किसी के इशारे पर किया गया, जबकि ये पार्षद जो है कहीं ना कहीं हमारे साथी हैं, इनको सब समझ है कि क्या गलत है क्या ठीक है, लेकिन मजबूरन किसी के इशारे पर इन्होंने ऐसा काम किया। कुछ मिला अंबाला वासियों को? मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह हुई। 5.5 महीने बाद मीटिंग हुई और आज उस मीटिंग के अंदर जो है पार्षदों द्वारा ये रवैया जो अख्तियार किया गया, कोई मुद्दे पर नए मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। पिछली मीटिंग तो पास हो ही चुकी है, नए मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल आपको याद होगा कि 8-6 की मीटिंग के अंदर जब आप लोग सभी वहाँ मौजूद थे, हमारे पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि 1-1 करोड़ रुपये के काम और 25-25 लाख के जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित चले आ रहे थे, उनके बारे में चर्चा हुई कि 30 जून तक जब अधिकारियों को कहा गया कि जल्द से जल्द करवाया जाए, तो अधिकारियों ने वहाँ कहा कि हम 30 आ रहा था पहले लिखा हुआ कि आज की मीटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो मुझे लगता है उसी के संदर्भ में लोग सब प्लान करके आए थे कि मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। मैडम, लोगों के काम को करवाने की बजाय बीजेपी पार्षद जो है ये तो पार्षद नहीं कराना चाहते अपने लोगों का विकास, तो ये उसका संदर्भ लेना चाहिए। मैडम, मीटिंग को लेकर भी कहा जा रहा था किस तरीके की आज मीटिंग रखी गई, स्पेशल मीटिंग मुद्दा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना।